खमानी दोस्तों, मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले अपन गाड़ी बात करना, ये है होंडा की अमेज। एक्चुअली ये गाड़ी बी6 में आती है, जो इसका सेकंड स्टेप है जो बी6 इंजन का आता है वो इसमें अवेलेबल है। तो फ्रंट की प्रोफाइल को देखें तो कुछ इस तरीके से इसके जो फ्रंट प्रोफाइल है वो अपने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्रोम में लोगो, इसका होंडा का लोगो मिल जाएगा, क्रोम की पट्टी मिल जाएगी और नीचे ट्रैफिक नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे इसकी लिप मिल जाती है और सामने से अगर इसका लुक देखा जाए ना तो काफ़ी बल्की लुक लगता है। होंडा एक ये कहें कि सीडान गाड़ी के हिसाब से इस गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी बल्कि और काफ़ी वाइड लुक है वो अपने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तो फ्रंट से ये अब जो इसकी विर्थ है वो आपको 1695 mm इसकी विर्थ है वो मिल जाती है। हेडलैम की बात करें तो हेडलैम में आपको नॉर्मल हेलोजन के हेडलैम मिलते हैं। इसमें आपको हाई बीम और लो बीम आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जो रिफ्लेक्टर के साथ आती है। उसी के साथ में इंडिकेटर के लिए आपको प्लेसमेंट वगैरह वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है और आपको फॉग लैंप वगैरह के लिए आपके पास स्पेस दिया गया है जिसे आप आफ्टर मार्केट वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम दिया गया और कुछ इस तरीके से इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो मिल जाता है। वाइपर की बात करें तो आपको नॉर्मल वाइपर मिल जाते हैं और वहीं आपको यहाँ पे आपके दो इसके वॉशर जेट वो मिल जाते हैं। अब आते हैं इसके गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल बात करें तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी के जो साइड प्रोफाइल है वो अपने को मिलती है। इस गाड़ी में JK के टायर मिल जाते हैं। उसी के साथ में टायर सेक्शन की बात करेंगे तो 175/65R14 14 इंच के ट्यूबलेस टायर है वो अपने को गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। गाड़ी का अगर व्हील बेस की बात करें तो हमें 2470 mm का जो व्हील बेस है वो गाड़ी के अंदर मिलता है और उसी के साथ में ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अपने गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो एक सेडान टाइप की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है वो होता है। उसी के साथ में अगर हम डोर हैंडल की बात करें तो आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। उसी के साथ में साइड व्यू मिरर है, उसमें आपको इंडिकेटर इसके साथ में इनबिल्ट मिल जाता है। बॉडी कलर में इसका साइड व्यू मिरर वो मिल जाता है और उसी के साथ में ब्लैक ट्रीटमेंट वगैरह भी वो मिल जाता है। डुअल टोन में इसका साइड व्यू मिरर है वो मिल जाता है। उसी के साथ में अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 35 लीटर का फ्यूल टैंक है वो गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। फ्रंट में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाती है और उसी के साथ में रियर की बात करें तो रियर में अपने को ड्रम ब्रेक है वो मिल जाती है। अब गाड़ी के आते हैं पीछे की तरफ तो कुछ इस तरीके से इसका जो रियर प्रोफाइल है वो मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको क्रोम मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे और उसी के साथ में होंडा का लोगो मिलता है। यहाँ पे अमेज की बैजिंग और उसी के साथ में इसके इंजन की IVTEC की बैजिंग है वो मिल जाएगी। पीछे से टेल लाइट की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसकी टेल लाइट होती है जो आपको हेलोजन में मिलती है, पर यहाँ का जो ऊपर का जो टेल लाइट का ट्रीटमेंट है वो आपको कुछ LED टाइप में मिल जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा और इसी के साथ में रिवर्स लाइट मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका रियर का प्रोफाइल है वो मिल जाता है। एक बार इसका आपको बूट स्पेस है वो खोल के दिखाता हूँ। सो गाइस, कुछ इस तरीके से अपने को मिलता है इसका बूट। तो पीछे आपको ये लोगो मिल जाता है और उसी के साथ में यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए दो बल्ब दिए गए। अब बात करें पीछे के स्पेस की तो 420 लीटर का बूट स्पेस है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिलता है और उसी के साथ में हम टायर की बात करें तो सेम टायर मिल जाता है जो 14 इंची का टायर है, पर यह आपको एलॉय व्हील में नहीं मिलता और यहाँ पर आपके जो इसका टूल किट वगैरह वो मिल जाते हैं और स्पेस वाइज आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। उसी के साथ में जो उसके रिफ्लेक्टर आते हैं गाड़ियों में वो भी आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अब चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर की तरफ। तो गाइस, एक बार इसका अपन गेट खोल के देखते हैं, पर आपको बता दूं यहाँ पे भी आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती, पर आपको चाबी से गेट को लॉक और अनलॉक करने का सिस्टम मिल जाता है। अब आते हैं गाड़ी के अंदर तो आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाती है। उसी के साथ में जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको वन टच में अप डाउन मिल जाता है। उसी के साथ में साइड व्यू मिरर के एडजस्टमेंट के सिस्टम मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और उसी के साथ में अंदर से जो इसका साइड व्यू मिरर उसको फोल्ड अनफोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ में नीचे तरफ आपको ये बोतल होल्डर मिल जाती है, छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है और एक आपको स्पीकर वगैरह वो आपको अंदर मिल जाता है। ट्विटर गाड़ी के अंदर नहीं आते, पर इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर का सिस्टम है वो आपको मिल जाता है। अब चलते हैं पर गाड़ी के अंदर की तरफ। जैसे गाड़ी के अंदर आएंगे यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएगा, उसी के नीचे में हेडलाइट लेवलिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके से आपको स्टेयरिंग मिल जाता है जिसमें आपको स्टीरियो से रिलेटेड बटन है वो आपको मिल जाते हैं और उस हिसाब में कॉल को अटेंड करने और कॉल काटने वगैरह के लिए आपको बटन्स वगैरह वो मिल जाते हैं। अभी पर डोर बंद करते हैं इस गाड़ी का। जैसे हम गाड़ी का डोर बंद करते हैं एक बार आपको चाबी ऑन करके दिखाते हैं। जैसे चाबी ऑन करते हैं आपको तो लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिल जाएगा, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिल जाता है और एक छोटी सी आपको टैकोमीटर मिल जाता है। डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको ट्रिप वगैरह से रिलेटेड होगा और इसी साथ में इसमें
टेम्परेचर और फ्यूल गेज का मीटर है वो आपको मिल जाता है। साइड में आपको चेक लाइट्स वगैरह आगे से रिलेटेड पॉइंट है वो मिल जाते हैं, और उसी के साथ में स्टेयरिंग है वो आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिल जाता है। लाइट की बात करें तो आपको मैनुअली लाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसी के साथ में वाइपर भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। अब एक बार आपको चाबी और दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको इस गाड़ी की चाबी मिल जाता है, जिसमें लॉक और अनलॉक का बटन है ये मिल जाता है, और दूसरी चाबी है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल चाबी मिल, तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी की चाबी है वो देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके का आपको स्टीरियो मिल जाता है जो आपको नॉर्मल मिलता है, इसमें ऑन ऑटो वगैरह नहीं होता, ना इसमें ब्लूटूथ वगैरह होता है। ऑक्स की लीड के लिए आपको पॉइंट मिल जाता है, और कुछ इस तरीके से आपको एजार्ड का बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो आपको एसी भी आपको मैनुअल एसी वेंट मिलते हैं, जिसमें आपको अपने हिसाब से थ्रो वगैरह या फिर एसी की जो स्पीड है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है, जिसमें दो कप होल्डर मिल जाएंगे, फोन के लिए स्पेस मिलेगा, एक पावर चार्जिंग आउटलेट मिल जाता है, और एक आपको ऑक्स लीड के लिए भी स्पेस है वो मिल जाता है। फाइव स्पीड का आपको इसमें गियर बॉक्स मिल जाता है, और उसी के साथ में वन रिवर्स मिल जाता है, और कुछ इस तरीके से आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। IRVM में आपको डे नाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता था, जिसे आप मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, उसी के साथ में जो इसके सनवाइजर वो आपको कुछ इस तरीके से सनवाइजर वो मिल जाते हैं। को ड्राइवर साइड में आपको इसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है, पर आपको लाइट वगैरह नहीं मिलती, और उसी के साथ में ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता। ऊपर की तरफ रूफ लाइट की बात करें तो आपको सिंगल रूफ लाइट मिलती है, तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का जो अंदर का प्रोफाइल है वो मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स मिलता है। ग्लो बॉक्स की साइज वो आपको अच्छी खासी मिलती है, पर आपको ग्लो बॉक्स भी कूल्ड नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल ग्लो बॉक्स है वो मिल जाता है। अब चलते हैं पर गाड़ी के पीछे की तरफ। जैसे हम गाड़ी के पीछे की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका पीछे का प्रोफाइल है वो अपने को मिल जाता है। तीनों सीटों पे आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और उसी के साथ में सेंटर में आपको हैंड रखने के लिए एक स्पेस मिल जाता है, और दो कप होल्डर है वो भी आपको मिल जाते हैं। पीछे की तरफ एसी वेंट नहीं मिलता, पर आपको एक पावर चार्जिंग सॉकेट है वो जरूर मिल जाता है, और वो भी 12 वोल्ट और 180 वोल्ट का मिल जाता है, जिसमें मैक्सिमम पावर वो 180 वोल्ट है वो जनरेट करता है। हम बात करें तो आपको एक छोटा सा हेम मिल जाता है, और स्पेस वगैरह भी आपको अच्छा मिल जाता है। अगर हम थाई सपोर्ट की बात करें तो आपको थाई सपोर्ट है वो होंडा की गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो अंडर थाई सपोर्ट है वो आपको अच्छा मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का ओवरऑल प्रोफाइल वो अपने को देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करें इसके इंजन की, तो ये पर आपको इंजन भी जरूर दिखाते हैं। तो वैसे कुछ इस तरीके से आपको MH का इंजन मिल जाता है, जिसमें 12 cc का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर, और पावर की बात करें तो 90 bhp की पावर, 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो आपको मिल जाता है। इंजन है वो आपको IVTEC इंजन है वो मिलता है, और काफ़ी साइलेंट इंजन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एयर फिल्टर के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पर बैटरी और कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का जो इंजन का कंपार्टमेंट है वो मिलता है। नीचे तरफ पासर ट्रे वगैरह तो नहीं मिलती, पर आपको ये गाड़ी का इंजन है वो आपको काफ़ी साइलेंट मिलता है, और जिसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी। कुछ इस तरीके से आपको इस गाड़ी का पूरा प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।